हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसी टेक्निकल। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वोल्टास का इन्वर्टर एसी। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए स्पेशल मैं करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग वोल्टास इन्वर्टर एसी की, और पूरा का पूरा रिव्यू देंगे, पूरी की पूरी लुक दिखाएंगे उसकी, कैसा एसी है, कैसी लुक में आने वाला है, उसकी कितने साल की वारंटी है, किस किस पार्ट की वारंटी है, सारा का सारा आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। अगर आप वोल्टास का एसी लेना चाह रहे हैं तो पहले ये वीडियो देख लीजिए। जितनी बातें मैं बता दूंगा, इतनी बातें आपको कोई सेल्समैन नहीं बताएगा, कोई शोरूम वाला नहीं बताएगा, कोई बंदा नहीं बताएगा आपको इतनी बातें जितनी मैं आपको बता दूंगा। सारी की सारी वारंटी बताऊँगा, कैसा एसी है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, कौन सी गैस आती है, क्या क्या उसके अंदर फीचर हैं, सारे के सारे आपको आज इस वीडियो में दोस्तों पता चल जाएंगे। तो पहले करते हैं वोल्टास एसी की अनबॉक्सिंग, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर आपको फीचर मिलने वाले हैं, कितने टाइम की वारंटी मिलने वाली, इसका रिमोट कैसा है, इसमें कौन कौन सी एसेसरी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले अनबॉक्सिंग। जैसा कि आपने अनबॉक्सिंग देख ली है, पूरा का पूरा एसी मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं आपको इसका मॉडल नंबर बताता हूँ। इसका मॉडल नंबर है 183VDZZ, ये इसका मॉडल नंबर है। जो अभी लेटेस्ट मॉडल आ रहा है दोस्तों, यही आ रहा है इन्वर्टर एसी में। वोल्टास का एसी है, इसके अंदर गैस कौन सी आ रही है, इसमें गैस आ रही है R32। जी हाँ दोस्तों, R32 रेफ्रिजरेंट 32, जो कि जिसको हम इको फ्रेंडली गैस भी कहते हैं। अगर आप एसी लेने जा रहे हो तो आपका फर्ज बनता है कि आप देखें, आप पूछें कि इसके अंदर गैस कौन सी। अगर R22 गैस है, पुरानी एसी की गैस है, तो वो अवॉइड करें। अब जो लेटेस्ट गैस आ रही है वो R32 ही आ रही है, आपने R32 वाला एसी ही लेना है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके अंदर कॉपर है या एल्युमिनियम है। तो मैं आपको बता दूं, 100% ये एसी कॉपर में आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर ना इंडोर एल्युमिनियम में है ना आउटडोर एल्युमिनियम है। कुछ एसी ऐसे होते हैं जिनके अंदर इंडोर है वो कॉपर में होता है और आउटडोर एल्युमिनियम में होता है, लेकिन ये वाला एसी जो मैं आपको बता रहा हूँ 183VDZZ, ये 100% कॉपर में आपको मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि एसी के अंदर कूलिंग कैपेसिटी कितनी है। तो इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो है 5100 वॉट। जी हाँ दोस्तों, 5100 वॉट इसकी कूलिंग कैपेसिटी है। इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो है 1053.61 यूनिट पर ईयर। दोस्तों बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर एसी की, वोल्टास के इन्वर्टर एसी की वारंटी कितने साल की आ रही है, आपको कितने साल की मिलेगी और किस किस पार्ट पे मिलेगी। दोस्तों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि कई लोगों को लगता है कि इसकी जो वारंटी है वो 10 ईयर्स की पूरे एसी की आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ किस पार्ट पे कितने टाइम की वारंटी आपको मिलेगी।
दोस्तों, अगर आप वोल्टास का इन्वर्टर एसी लेने जा रहे हैं तो इसकी जो वारंटी है वो 10 इयर्स की कंप्रेसर पे है। जी हाँ दोस्तों, 10 इयर्स की, 10 साल की कंप्रेसर पर है। उसके बाद 5 साल की जो इसका पीसीबी होता है उसकी 5 साल की वारंटी है, उसकी 5 साल की वारंटी होती है। कंप्रेसर की 10 साल की, पीसीबी की 5 साल की, और उसके अलावा जितना भी एसी बचता है, आप बोलेंगे जी बचा गया इसमें, तो मैं बता देता हूँ, उसमें आपकी कूलिंग कॉइल होगी, कंडेंसर की कॉइल हो गई, यहाँ की मोटर होगी, यहाँ का ओके पार्ट गैस हो गई, इन सब की जो वारंटी आ रही है वो 1 ईयर की है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 10 साल कंप्रेसर, 5 साल पीसीबी, 1 साल की गैस की, कूलिंग कॉइल की, कंडेंसर कॉइल की, मोटर की, और भी छोटे मोटे जो पार्ट होते हैं अगर वो ख़राब हो जाते हैं, कैपेसिटर हो गया या कोई वायरिंग शॉर्ट होगी या कुछ भी हो गया, उन सब की वारंटी 1 ईयर की है, 5 साल की पीसीबी की है और 10 साल की कंप्रेसर की आपको इसमें वारंटी मिलेगी। दोस्तों, आप कहीं से भी एसी ले लीजिए, कहीं से भी एसी ले लीजिए, चाहे आप शॉप से लिए, चाहे ऑनलाइन लीजिए, कहीं से भी लीजिए, वारंटी सेम आती है। लेकिन आपका एक काम है, जब आपके घर पे एसी आ जाए तो एक बार कस्टमर केयर पे फ़ोन करके रजिस्टर्ड जो कराइए अपनी एसी के बारे में कि हमने ये वाला एसी लिया, उनसे रिकन्फर्म जरूर कीजिए। क्योंकि अगर कोई भी इशू होता है, किसी भी तरह की कोई फॉर्मेलिटी आपको करने के लिए कहते हैं, तो कम से कम आप उसमें करेंगे, आपकी जो गारंटी है वो कम नहीं होगी, पूरी की पूरी आपको मिलेगी। आप बस एक बार कंफर्म कर लीजिए, हमने इन्वर्टर एसी लिया है वोल्टास का, तो उसकी एसी गारंटी कितने टाइम की है, किस किस पार्ट की है, जिससे क्या है, आपके जो आप 35-40 हज़ार का एसी ले रहे हैं उसमें गारंटी आपको पूरी की पूरी मिलेगी। कई बार क्या होता है, कंपनी कहती है कि हमें मैसेज करो, इस नंबर पर मैसेज करो, उसके बाद रजिस्टर्ड होगी, तो कई पॉलिसीज होती हैं, वो एक बार आप कन्फर्म जरूर कीजिए, क्योंकि आपको रिटर्न में दोस्तों बिल के ऊपर नहीं मिलता। दोस्तों, अब बात कर लें इसके रेटिंग की, तो ये एसी आपको मिलेगा 3 स्टार रेटिंग में। और अगर बात करें इसके प्राइस की, तो प्राइस होने वाला है लगभग 35,000। जी हाँ दोस्तों, नियर अबाउट 35,000 के आसपास आपको ये वोल्टास का इन्वर्टर एसी 3 स्टार आपको मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, आपको इस तरह का इंडोर मिलने वाला है, और इसमें मैं आपको बता दूं, जो टेम्परेचर आएगा वो सेंटर में आएगा, सेंटर में डिस्प्ले होगी इसके टेम्परेचर की, और इस तरह से देखिए, इस तरह से ये लुक आने वाली है, वाइट कलर में आपको इंडोर मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको आउटडोर मिलने वाला है, ये भी वाइट कलर में आपको मिलेगा, ये देख लीजिए, इस तरह से एक टाटा प्रोडक्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर, और मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ इसको घुमा के। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको ये आउटडोर मिलने वाला है, 100% कॉपर में है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से इसकी लुक होने वाली है, वाइट कलर में आउटडोर और इंडोर दोनों ही आपको मिलेंगे। दोस्तों ये देखिए, इसके साथ आपको ये वाला रिमोट मिलेगा, इस टाइप से रिमोट आएगा, 2 बैटरी सेल आएंगे और एक कैटलॉग आपको इसके साथ मिलने वाली है। उसके अलावा दोस्तों, इसके साथ जो हमें सामान मिला है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये कॉपर पाइप मिला है दोस्तों, इसके साथ 2 पाइप आते हैं एसी में, जो पाइप लगते हैं 2 लगते हैं, दोनों पाइप इसके अंदर आपको ऐसे सील्ड पैक मिलेंगे, आउटडोर के अंदर ही मिलेंगे। उसके अलावा ये देखिए दोस्तों, ये आपको वायर मिलने वाली है, इस तरह की वायर मिलने वाली है, साथ में ये वाला सामान आपको इसके एसी के अंदर मिलने वाला है, बाहर से आपको नहीं खरीदने की जरूरत है, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं, जो पाइप आता है वो करीब 10 फुट के आसपास होता है, जो अंदर सील्ड पैक पाइप आता है वो 10 फुट के आसपास, दोनों पाइप 10-10 फुट के आपको मिलेंगे, साथ में वायर मिलेगी, ये सारा का सारा सामान इसके साथ आपको इसके अंदर ही मिलेगा। अगर आपका 5-7-8 फुट लगना है तो आपको बाहर से पाइप खरीदने की जरूरत नहीं है, आपके एसी के अंदर ही ये सारा सामान आपको मिल जाए। तो दोस्तों, आपको मैंने ज़्यादातर बातें बता दी हैं इन्वर्टर एसी के बारे में, वोल्टास के इन्वर्टर एसी के बारे में, इसमें क्या क्या आपको एसेसरी मिलने वाली है, कितने टाइम की वारंटी है, क्या क्या इसके अंदर आपको फीचर मिलने वाले हैं, कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, कूलिंग कैपेसिटी, सारा का सारा मैंने आपको दोस्तों इसके अंदर बता दिया है।
आज की वीडियो दोस्तों आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ वोल्टा ही नहीं, आपको लॉयड, डाइकिन, हिटाची, जनरल, पैनासोनिक और भी बहुत सारी कंपनियों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अनबॉक्सिंग को छोड़ो, उसके अलावा टेक्निकल बातें इतनी ज्यादा बताऊंगा कि आपके एसी में इतनी प्रॉब्लम जो आती है वो शायद ठीक आप खुद भी कर लें थोड़ी बहुत। काफी हद तक आपको बहुत ही हेल्पफुल दोस्तों ये चैनल है, जिसके थ्रू आपको एसी के बारे में पूरी पूरी डिटेल बताई जाती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपने, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, क्योंकि इससे होता क्या है, एक तो मोटिवेशन मिलता है हमें, दूसरा आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास अपडेट आ जाएगा। नहीं तो क्या होता है, आपने आज वीडियो देखी, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अगली बार हो सकता है आपका वीडियो ही ना आए। वीडियो तो मैं अपलोड करता रहता हूँ, लेकिन हो सकता है आपका वीडियो ही ना आए क्योंकि चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।